ना मिली। मैं जो आज की सबक और ये जो मैं देना चाहता था पैगाम वो ये है कि शुक्रिया। मौलाना की शख्सियत जो है वो कई पहलू हैं उसके, और हमने एक पहलू जो ऐसा इवेंट था तो शायद पहले कभी नहीं हुआ, और उसके बाद फिर लोगों ने उसको अपनाया। तो बहुत सारी बातें हैं मौलाना की, मैंने जैसे कहा कि सात ऐसी उनके अंदर खसूसियात हैं, वो ऐसे हब जहद शख्सियत हैं कि वो बैक वक्त देखे जाए तो वो शायर भी हैं। अगर हम शायर की बात करें तो उनके जो अशार हैं कि जैसे जीते थी तो कुछ ना दिखाया मगर मर के जौहर आपके जौहर खुले, और फिर बहुत पॉपुलर शेर है उनका कत्ल हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। तो उनकी शायरी मुकम्मल शायरी तमाम की तमाम चीज़ें उनके अंदर मुकम्मल पाई जाती हैं। तो मैं ये तमाम चीज़ें जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसकी जो एक जो जज्बाती चीज़ें हैं वो तो प्रोफेसर आफाक सईद साहब आपको बताएंगे, और वो सब के हालात जो उन्होंने खुद भी देखे होंगे, खुद जो सब की जो लोगों ने बताए पाकिस्तान बनते वक्त जो जो एक सेंटीमेंट्स थे कि क्या थे और क्या किस तरह की तारीख की, वो तमाम झलकियों से वो आपको तमाम आगाह करेंगे। तो मैं अब दावा देता हूँ प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी साहब को कि वो आए और कुछ हमें पता। ये शख्सियत का बल्कि शख्सियात का यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर रईसुल एहरार और मौलाना शौकत अली, पाकिस्तान में अगर इन दो शख्सियात की याद हम साल में एक मरतबा नहीं बल्कि हफ्ते में दस दिन में मनाए, इनकी तालीम को, इनके इशार को, इनकी जुरात किरदार को अगर हम काम करें तो खुदा बेटा जानता है कि नामूते रिसालत उन शख्सियात का जिक्र होगा, उस अजीम माँ को हमारा आपका पूरी पाकिस्तानी कौम का खिलाज है। वो भी अम्मा के नाम से बैन अवी शोरत रखती है, वो भी अम्मा कौन थी जो कहती थी जान बेटा खिलाफत मुख्तसर बताता हूँ आपको तारीख की तारीख में। कि वो शख्सियत थी दिल्ली का वो खानवारा था जो मौर्या दौर में इसका शुमार सबसे अव्वल के मुशीरान में आजीर में और उन दौर के जिसको कहना चाहिए उसके इंटेलेक्चुअल। लेकिन जब बरतानवी राज कायम हुआ तो उन सबको बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया, ये भी अम्मा के अहसास, हत्या के उनके मामों को फांसी घाट पे उनकी लाश रखता है। अब जिस माँ ने जिस बेटी ने जिस दर्द सहा होगा माइक क्यों लगा और फिर जवानी भी कुछ रिश्तेदारों ने अपनी मसलियतें देखी और मशवरा दिया कि किसी दीनी मदरसे में बच्चों को दाखिल कर दिया जाए। खुद साल से मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, लेकिन आखिरी जगह उस मामले
सुनने का नहीं, मैं अपने बच्चों को जली कैसे करवा जिन्हों ने कोई मदद नहीं, कितने लेबर जो कुछ भी कुछ था सब कुछ और तारीफ शायद है कि चक्की 20-30 के आते हैं, जिनको ये भी इजाजत नहीं थी कि नमाज पढ़ने के लिए उनको घुटनों से नीचे तक आपने देखी होगी वो तकलीफ का और 200 साल की सजा बाबा तक अंग्रेजों ने शर्त रखी है कि माफी नामा का कर दो तो ये कैद खत्म हो जाएगा। बड़े शुक्रिया यार, उन्होंने पहले उतार दिया ये मेरे को जरूरी डर वक्त है कौम पे नाजुक तहरीकी खिलाफ खड़ा रखा बेटी जेल में और उन्होंने लड़ते हाथों से खत लिखा तो मैं आके अपने हाथों से तुम दोनों का गला घोट लूंगी। ये जीवन दुनिया नहीं भूल सकती। आपको हैरत है और वो कांग्रेस कैसे चलता था सरकारी सी बात बताता हूं आपको कि मैं सेक्टर में था शिकारपुर जा रहा हुआ मेरा कि ठीक क्या अर्थ नहीं है आप कह रहे तो मैं ले आओ किसी से मांग कहने के नहीं चला उसे भी तोरियर को देखा और कहा कितने अनुहार पास होने का कितने से बता उसको काटा और बर्जस्ता उस एडिटोरियल को बनवाना आजादी का लेके जाऊंगा नहीं तो गुलाम मुल्क में नहीं जाऊंगा आप तो मेरी कब्र के लिए आते हैं। अब ये मिलत इस्लामिया के अजमत जो उनको बैठ मुकदस में जो है वो आखिरी आराम का तो अजीरो पता करने के बाद ये कहते नहीं कि आगे के तू पे क्या करने दस्ते सवाल कर रहा वो हाथ को गया करा रहे थे हम लोगों में नामो नमूद की हत्या के कब्रिस्तान में भी आलिशान कब्रें बनाने जिंदा लोग तो कोशिश कीजिए और प्रेस क्लब को अपना साथ आपकी विशाखा से देता हूँ जो अजीम हस्ती के लिए और वो अजीम हस्ती कौन थी कायदे आजम को मुस्लिम लीग की खबर नहीं थी कि बताता हूं तारीख इनकार कायदे आजम को मुस्लिम लीग की तरफ जाने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर लूटते हैं माओ बहनों किसी शर्म की बात है